शुरुआत इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर यह रही आपके सामने, जल्दी यूक्रेन के कई इलाकों को अलग करेगा रूस। कब्जे वाले इलाके में रेफरेंडम का प्लान तैयार किया गया है। खेरसोन, खार्कीव, ज़ेपोरिजिया में जनमत संग्रह की तैयारी है। डोनेस्क और लुहांस्क में भी रेफरेंडम कराएगा रशिया। और देखिए दूसरी बड़ी खबर है, ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का बड़ा प्लान सामने आया है। न्यूक्लियर प्लांट को यूक्रेन से अलग करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। रूस के एक्शन से यूरोप में रेडिएशन संकट का भी खतरा मंडरा रहा है। और यूक्रेन के लिए बाइडेन का एक और बड़ा ऐलान। खबर यह है कि $3 बिलियन की और मदद अमेरिका भेजेगा। $2.5 बिलियन की सैन्य मदद बाइडेन भेजेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चौथी बड़ी खबर यह रही आपके सामने, ब्रिटेन ने खत्म की रूसी एनर्जी पर निर्भरता। जून में ब्रिटेन ने रूस से कोई एनर्जी आयात नहीं किया। और इस बीच यूक्रेन को सैन्य मदद भेजेंगे नॉर्वे और ब्रिटेन। खबर यह है कि यूक्रेन को जल्द माइक्रो ड्रोन भेजने की तैयारी है। एक और बड़ी जानकारी है, युद्ध के धीमा पड़ने पर रूस का बयान सामने आया है। हमने स्ट्रेटजी के तहत हमले रोके हैं, सिविलियंस को बचाने के लिए हमले रोके गए हैं, मिलिट्री ऑपरेशन में किसी तरह की रुकावट नहीं है। और अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान, रूस से रिश्ते सुधारने की कोई कोशिश नहीं होगी। रूस से बातचीत करने के पक्ष में नहीं है ब्रिटेन सरकार, ये कर दिया गया है क्लियर। और इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का रूस को झटका देने वाला बयान सामने आया है, जहां यूक्रेन को क्रीमिया का इलाका वापस लौटाने की बात कह रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी है कि युद्ध के 6 महीने में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के 133 एथलीट और कोच मारे गए हैं। यूक्रेन के खेल मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। और यूक्रेन को और मानवीय मदद भेजेगा भारत। जल्दी मानवीय मदद की 12वीं खेप यूक्रेन की जाएगी रवाना।